हेलो गाइस, मायसेल्फ सुदीता हाजरा, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल इजी मैथ कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर क्लिप जो जीटीयू के रिगार्डिंग है। तो देख लेते हैं कि क्या न्यूज़ है। जीटीयू हवे सेमेस्टर वन नी बाकी नी विषयों नी परीक्षा ऑनलाइन एमसीक्यू आधारित लेसे। सो यस, जो अभी बाकी के एग्जाम्स है वो ऑनलाइन एमसीक्यू मोड में होने वाले हैं। तो चलिए इस न्यूज़ को डिटेल में देख लेते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहे। ऑनलाइन एग्जाम पहला विद्यार्थियों प्री चेक ट्रायल टेस्ट आपवी फरजियात, टूंक समय में तारीखों जाहरात। ओके, सो थोड़ी ही दिनों में जो है तारीख की जाहरात कर दी जाएगी और प्री चेक ट्रायल टेस्ट जो है वो अभी देना ज़रूरी है जो स्टूडेंट को ऑनलाइन एमसीक्यू एग्ज़ाम देनी है उनके लिए। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जीटीयू द्वारा हवे आगामी दिवसों में सेमेस्टर वन नी बाकी रहेला विषयों नी परीक्षा मात्र ऑनलाइन मोड पर लेवानुं नक्की करवामां आव्युं छे। सो ऐसा है कि कोई कोई कॉलेज क्या करते हैं, दोनों मोड देते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड। बट जीटीयू ने अभी डिसाइड किया है कि इस सिचुएशन में ऑफलाइन मोड ना दिया जाए और सिर्फ ऑनलाइन एमसीक्यू मोड ही रखा जाए। जे विद्यार्थियों ने ऑनलाइन परीक्षा आपी न सके अथवा के मुश्किली थाय तेवा विद्यार्थियों माटे जरूरियात उभी थाय तो ऑफलाइन एग्जाम नु पण आयोजन करवामां आवशे तेवुं नक्की करवामां आव्युं छे। तो जीटीयू ने कहा है कि जो मतलब नहीं दे पाएगा, बहुत ही मुश्किल है उनको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना, तो उनके लिए ही सिर्फ ऑफलाइन एमसीक्यू मोड में एग्ज़ाम बाद में रखा जाएगा। बट गाइस, आई फील के जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम इन्होंने रख दी है वो भी एक प्रॉब्लम का विषय है, क्योंकि सारे लोगों ने जो है तैयारियाँ की थी ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल अभी कि पूरा फिर से कोर्स पढ़ा जाए और ऑफलाइन एमसीक्यू या ऑनलाइन एमसीक्यू मोड में एग्ज़ाम दिया जाए। कोई मुश्किली थाय तेवा माटे फिर से वही लाइन लिखी करवामां आव्यु छे। आ ऑनलाइन टेस्ट पहला विद्यार्थियों ने मॉक टेस्ट आपवानुं रहेशे। महत्वनी बात ए छे कि ऑफलाइन अने ऑनलाइन प्रकारना परीक्षा एमसीक्यू आधारित रहेशे। सो एमसीक्यू मोड में रहेगा और दोनों ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड के लिए, और विद्यार्थी को उसके पहले जो है मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, जो मॉक टेस्ट को प्री चेक ट्रायल टेस्ट कहा गया है। वो राज्यना सौथी मोटी गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी द्वारा सेमेस्टर 3 अने 5 अने 7 ना विद्यार्थियों पूर्ण करवामां आवी। तो सेमेस्टर 3, 5 और 7 के एग्ज़ाम पहले ही कंप्लीट कर हो चुके हैं। सेमेस्टर 1 ना विद्यार्थी ना 2 विषय नी परीक्षा पूरी थाय त्यारबाद शिक्षण मंत्रीए 10 एप्रिल सुधी कॉलेजों बंद करवामां जाहेरात कर्या बाद बाकी रहेला विषयोनी परीक्षा स्थगित करवामां आवी हती। सो सेमेस्टर 1 के जो है 2 ही पेपर हुए थे और उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि अब कोई एग्ज़ाम नहीं होगी अप्रैल 10 तारीख तक, ऐसा नोटिफिकेशन आया था। आ ऑफलाइन परीक्षा यूनिवर्सिटी 16 थी लेवानुं नक्की कर्युं हतुं। उसके बाद जीटीयू ने जो है अपना शेड्यूल जारी कर दिया था और बोला था कि 16 से जो है ऑफलाइन मोड पे ही एग्ज़ाम होगा। लेकिन अभी के करंट सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने कहा है कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने भी कहा है कि 12 और 23 से जो एग्ज़ाम शुरू होने वाली थी वो भी नहीं होगी। और जीटीयू ने ये डिक्लेयर किया कि 16 से जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाली थी वो भी अभी के लिए जो है उन्होंने पोस्टपोन कर दी है टिल फर्दर नोटिस। कुलपति डॉक्टर नवीन सेठ कहे छे कि सेमेस्टर 1 ना तमाम विद्यार्थी एमसीक्यू आधारित ऑनलाइन एग्जाम लेवामां आवशे। जे कोई विद्यार्थी कोरोना अथवा तो अन्य योग्य कारणोंसार ऑनलाइन एग्जाम न आपी सके तो ते विद्यार्थी माटे पाछळथी ऑफलाइन एग्जाम लेवामां आवशे। ओके, तो ये कहा है कि नवीन सेठ ने जो जीटीयू के वाइस चांसलर हैं उन्होंने कहा है कि अगर कोई कोरोना के कारण या फिर कोई दूसरे कारण जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो उनके लिए वापस ऑफलाइन एग्ज़ाम रखा जाएगा। लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जो भी एग्ज़ाम होंगे अभी वो फिर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू मोड में ही होंगे। आ उपरांत ऑनलाइन एग्ज़ाम विद्यार्थियों डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल और टेबलेट ना माध्यम थी आपी सकते। सो कौन सा डिवाइस आप यूज़ कर सकते हैं, डेट इज़ मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप और टैबलेट, इनमें से कुछ भी आप दे सकते हैं।
बट GTU के जो पहले MCQ एग्ज़ाम हुए थे उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको कहूँ तो आपको जो आप डिवाइस प्री चेक ट्रायल टेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं वही आपको जो है फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी यूज़ करना होगा, वो सेम डिवाइस कोई और डिवाइस नहीं चलेगा। वैसे तो इस बार के लिए कुछ अलग भी जो है इन्फॉर्मेशन आ सकता है। सो आप क्या कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वो भी सर्कुलर जब भी है मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच गाइज़।